डॉक्टर परशुराम साहू जी तेली पहाड़ी से मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद यादव जिंदाबाद माननीय जगमन किशन बाबू जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 ये जवानी भी है कुर्बान कलेश भैया के नाम। कृपा करके आ जाए पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू जी आ जाए हमारे सागर भाई आ जाए सभी लोग हमारे एमपी साहब सभी लोग जी समाज से अपील है कि समाजवादी पार्टी जो भी कैंडिडेट आवे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई जो भी आवे उसको ये समाजवादी पार्टी के नाम पर जनता जितावे और वो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनावे। मैं ही चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं और पहले भी थे और आज भी रहेंगे। समाज कहीं कहीं बिखर रहा है कहीं नहीं बिखर कहीं अरे नहीं नहीं भाजपा खुद है जो है सबके पीछे पड़ी हुई है कि सब लोग छोड़ दो समाजवादी पार्टी किसी में लगी समाजवादी पार्टी सब जनता का सबका विश्वास रखती है और सबसे जो चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री बनाएगा और उसमें हम लोगों के मुख्यमंत्री जो है माननीय अखिलेश यादव जी हैं हमने अभी तय कर रखा है और उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहा है। बीजेपी सरकार में साहू समाज का बेहतरी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस सरकार में कतई नहीं हो रहा है किस समाज में हो रहा है वो तो कुछ नहीं कर रही है बीजेपी समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है जितने भी काम किया है उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने उद्घाटन किए शिलान्यास किया ये बताया क्या उसको किसने दिया था अखिलेश जी ने जो कम से कम 300
और उससे आगे हो जाए तो लगभग साहू समाज कितनी सीटें मिलेंगी कुछ बात भी साहू समाज सब से जुड़ा हुआ ना, अकेले नहीं सब में जुड़ा है और सबका वोट लेगा। इससे हम ये नहीं कह सकते उसको कितना मिलेगा, सब समाज का वोट साहू समाज मिलेगा। आप पुराने नेता हैं सपा के, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है घमंडी हो चुके हैं। अरे भाई तो उससे क्या हो, घमंडी हो चुके हैं तो उनकी निगाह पर, हमारी निगाह में तो घमंडी है नहीं। वो तो बीजेपी वालों का भी काम किया है, हम अब भी जो काम किए हैं उसी का शिलान्यास उद्घाटन बीजेपी वाले कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे।